क्यों कभी पाए नहीं? कितने लोगों से मांग चुके हो? कई लोग तुम्हारे संख्या बताओ। जनपद चंदौली में भाजपा के एक जनपदीय पदाधिकारी हैं शिवशंकर पटेल, जिनसे रंगदारी की मांग एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के बाद 15,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की गई थी। बीती रात उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से लगभग 27 लाख रुपये मूल्य की नाजायज हेरोइन बरामद की गई है। और जानकारी में जो बातें आई है उसमें है कि एक कुख्यात अपराधी है बनारस का, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 17 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें 11 मुकदमे दशाश्वमेध थाना वाराणसी में और 4 मुकदमे बनारस के ही सारनाथ थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। ये विशुद्ध रूप से लोगों को बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों के नाम पर धमकाता है, धमका के रंगदारी की मांग करता रहा है। इसके पूर्व में ये पूर्व मंत्री शकील अहमद थे बनारस के, जिनसे इसने रंगदारी की मांग की थी। और 2017 में इसने जनपद मऊ के बसपा के विधानसभा के प्रत्याशी रहे थे, उनसे रंगदारी की मांग की थी। और अलग अलग अपराधियों के नाम पर रंगदारी की मांग करता है। उसी क्रम में ये भी इस जनपद में मांग कर रहा था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है। क्या कार्रवाई? गिरफ्तार होने के बाद जेल भेजा जा रहा है और इसके कब्जे से हेरोइन बरामद हुई है, जो लगभग 27 लाख रुपये मूल्य की है।